x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100 माइनस एक्स बाय 5 माइनस 500। अब हमने क्या करना है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, तो इट मींस प्रॉफिट फंक्शन का हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। क्या आएगा इसका डेरिवेटिव? डेरिवेटिव बताओ। फाइव एक्स का बन गया 5 माइनस 2x अपॉन 100 माइनस 1 अपॉन 5। अब एलसीएम ले लो और सिंप्लीफाई कर लो इसको। दिस इज 25, 100 हो जाएगा ये, 500 माइनस 2x माइनस 20 अपॉन 100। कैलकुलेशंस चेक कर लो एक बार। दिस इज 480 माइनस 2x अपॉन 100 ना। पुट पी डैश इज इक्वल टू, पी डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो आपके पास एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 240। अब पी डबल डैश एक्स चेक कर लो उस पे कि मैक्सिमम है कि मिनिमम है। पी डबल डैश क्या आ जाएगा, माइनस 1/50 विच इज लेस देन 0, सो प्रॉफिट इज मैक्सिमम एक्स इज इक्वल टू 240, यानी कि दे शुड सेल 240 आइटम्स टू गेन द मैक्सिमम प्रॉफिट। क्लियर? चलें एक्सरसाइज में। नाउ मिसलेनियस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 1 इज डिलीटेड पार्ट, सो वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वी आर गिवन, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स बाय एक्स टू ई पे ये मैक्सिमम है, दिस वी आर टू शो। मैक्सिमम के लिए क्या करेंगे, डेरिवेटिव लोगे। क्या आएगा इसका डेरिवेटिव? हाँ जी, व्हाट विल बी द डेरिवेटिव? क्यों, लॉग एक्स बाय एक्स, क्यों, क्या लगाओगे यहां पे? फिर बोल, ठीक रहे हो, डेरिवेटिव गलत ले रहे हो। वी का स्क्वायर, वी एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ यू माइनस यू एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ वी, तो ये बन गया आपका 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स हमें निकालने हैं, तो पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 सो 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये उधर गया तो आपका रह गया 1 माइनस लॉग एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि लॉग एक्स इज इक्वल टू 1। लॉग एक्स इज इक्वल टू 1 का मतलब एक्स इज इक्वल टू ई, तो x की वैल्यू आ गई आपकी e। नाउ वी आर टू चेक इफ दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और नॉट। तो f डबल डैश x निकाल लो, अगर वो आपका लेस देन 0 है तो दैट विल बी द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा।
एफ डबल डैश एक्स वन माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव फिर आप ले रहे हो, सो दिस इज गिवन बाय एक्स टू द पावर फोर, देन वी एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ वन माइनस लॉग एक्स इज माइनस वन बाई एक्स, देन माइनस एज इट इज, उसके बाद वन माइनस लॉग एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज टू एक्स। दोबारा देख लो ये वाला डेरिवेटिव, आप हमें डेरिवेटिव लेना है वन माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का, यू बाई वी यूज करेंगे, वी में हमारे पास क्या था एक्स स्क्वायर, उसका स्क्वायर किया तो दैट इज एक्स टू द पावर फोर, देन वी एज इट इज यानी कि एक्स स्क्वायर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ वन माइनस लॉग एक्स, वन का डेरिवेटिव जीरो, माइनस लॉग एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन बाय एक्स, देन फॉर्मूला का नेगेटिव साइन, u as it is yani ki 1 minus log x as it is derivative of v to x square ka derivative is 2x. ab isko simplify kar lo, ye ho gaya aapka minus x minus 2x plus log x plus 2x log x, so this is minus 3x plus 2x log x अपॉन एक्स टू दी पावर फोर। अब एक्स इज इक्वल टू ई पे इसको चेक करो इफ इट इज ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो, चेक इट क्विकली। एक्स को ई से रिप्लेस कर दो तो यू विल बी हैविंग हियर माइनस थ्री ई प्लस 2e log e आपका 1 हो जाएगा अपॉन में e टू दी पावर 4, सो दिस इज माइनस e अपॉन e टू दी पावर 4, दैट इज माइनस 1 अपॉन e क्यूब। अब e जो है e रेज टू पावर x या e रेज टू पावर माइनस x जो है आपका दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, बट यहाँ क्योंकि नेगेटिव साइन लगा हुआ है यानी कि दिस वैल्यू विल ऑलवेज बी लेस देन 0। अब ये डबल डेरिवेटिव आपका लेस देन जीरो आ रहा है मींस एक्स इज इक्वल टू ई इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और यही चीज हमें शो कर, ठीक है। इसमें कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, अदरवाइज वी आर मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड वन इज डिलीटेड अगेन, क्वेश्चन नंबर 3 इज डिलीटेड पार्ट, फर्स्ट भी डिलीटेड है थर्ड भी डिलीटेड है सिलेबस में से। Now moving on to question number 4. Find the equation of the normal to the curve x square equal to 4y which passes through the point 1, 2. ये वाला जो आपका question है, this is exactly similar to your example 45. So you will do it yourself. Example number 45 के similar है question number 4 आपका. Find the equation of the normal to the curve x square equal to 4y which passes through the point, बिल्कुल same statement है, तो this we have already discussed, so I'm not going to discuss it again. Now question number 5 is an important question. Show that the normal at any point theta to the curve x is equal to a cos theta plus a theta sin theta and y is equal to a sin theta minus a theta cos theta. हमें x given है in terms of theta, हमें y given है in terms of theta, और हमें क्या शो करना है कि किसी भी पॉइंट थीटा पे जब हम नॉर्मल लेके चलते हैं तो नॉर्मल का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन दैट इज कांस्टेंट। यानी कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे, उसका हम जो है ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल लेंगे। डिस्टेंस निकालने के लिए यू विल यूज द डिस्टेंस फॉर्मूला जो आप 11th स्टैंडर्ड में करते थे। एक्स वन वाई वन एक पॉइंट अगर आपको गिवन है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो एक लाइन गिवन है, तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन हम कैसे निकालते थे, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, उसका मॉड्यूलस हम ले लेते थे। तो इन द सेम वे वी विल कैलकुलेट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए क्या करेंगे सबसे पहले, हाँ जी क्या करना पड़ेगा नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए, सबसे पहले हमें नॉर्मल की स्लोप निकालनी है। नॉर्मल की स्लोप निकालने के लिए वी आर टू फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, यानी कि वी आर टू फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। मुझे एक्स गिवन है, मुझे वाई गिवन है, तो डी वाई बाई डी एक्स जो है मुझे वो निकालना है। एक्स इज इन टर्म्स ऑफ थीटा, पैरामीट्रिक फॉर्म बन गई है आपकी। एक्स मुझे गिवन है ए कॉस थीटा, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। एक्स इज ए कॉस थीटा,
प्लस ए थीटा साइन थीटा, और वाई गिवन है आपको ए साइन थीटा माइनस ए थीटा कॉस थीटा। डेरिवेटिव बताओ जल्दी से, डीएक्स बाई डी थीटा क्या आएगा? ए कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस ए साइन थीटा प्लस ए थीटा साइन थीटा में यू विल यूज यू इंटू वी, ए कॉन्स्टेंट है, थीटा साइन थीटा में यू इंटू वी लगेगा, तो प्लस ए साइन थीटा एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ थीटा इज वन, देन प्लस ए थीटा एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस इज कॉस थीटा, सो दिस इज माइनस ए साइन थीटा प्लस ए साइन थीटा आपका कैंसिल आउट हो गया, क्या रह गया हमारे पास कॉस थीटा। अब इसी तरीके से डी वाई बाई डी थीटा हम निकाल लेंगे, तो दैट इज गिवन बाय ए साइन थीटा का डेरिवेटिव दिस इज ए कॉस थीटा माइनस, यहाँ पे भी अगेन ए आपका कॉन्स्टेंट है, थीटा इंटू कॉस थीटा में यू विल यूज यू इंटू वी, सो दिस इज माइनस ए थीटा साइन थीटा ये प्लस हो जाएगा एंड माइनस ए कॉस थीटा ये अगेन कैंसिल आउट हो गया, दिस इज ए थीटा साइन थीटा। अब डी वाई बाई डी थीटा क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, वट विल बी द वैल्यू ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स? यस दैट इज ए साइन ए थीटा साइन थीटा अपॉन ए थीटा कॉस थीटा, ए थीटा कैंसिल आउट हो गया, सो वी आर हैविंग दिस एज टेन थीटा। अब नेक्स्ट ये तो आ गया हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट टेन थीटा आई है, तो नॉर्मल क्या हो जाएगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल क्या होगी स्लोप ऑफ नॉर्मल, बोलो नेगेटिव रेसिप्रोकल यानी कि माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब हमने क्या करना है, वी आर टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, पहले आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है और फिर उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है फ्रॉम द ऑरिजिन, तो लेट्स फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। सिंपली पहले हमने पैरामीट्रिक फॉर्म हमें गिवन थी, तो वी हैव फाइंड आउट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट आ गई तो उससे हमने स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकाल ली बाई टेकिंग इट्स नेगेटिव रेसिप्रोकल। Now we will find out the equation of normal. So equation of normal is given by y minus y1 is equal to m times x minus x1. So y minus y1 ki jagah aap y wali value put karoge because you are given that the normal jo hai that is to the curve x is equal to a cos theta plus a theta sin theta. So yahan pe value put kar do, y wali value put karenge that is a साइन थीटा माइनस ए थीटा कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इनटू एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन है ए कॉस थीटा प्लस ए थीटा साइन थीटा, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बन गई। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप बताओ, सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, साइन थीटा राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे दैट विल बिकम वन,
नॉट ऑडिबल. नाउ एम आई ऑडिबल? ओके थैंक यू. सो ये दोबारा देख लो एक बार. दिस इज आर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. हमें निकालना ऑफ द दिस. बच्चे म्यूट योर सेल्फ. We have to find the distance of the this normal from the origin. तो हमने distance of a point from a given line वाला concept use किया. A x1 plus b y1 plus c upon root a square plus b square. This is equal to a, which is a constant. Question number 6 में हमें find the intervals in which the function is given by is increasing and decreasing. Increasing or decreasing दोनों intervals हमें निकालने हैं. एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है 4 साइन एक्स माइनस 2x माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स. सो मैं इसको क्या करूंगी, रीराइट कर लूंगी. 4 साइन एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स माइनस, यहां से x कॉमन ले लेंगे तो दिस इज 2 प्लस कॉस एक्स अपॉन में भी 2 प्लस कॉस एक्स. ये आपका कैंसिल आउट हो गया. वी आर लेफ्ट विद माइनस एक्स. अब यहाँ पे हम u बाई वी लगा के डेरिवेटिव ले लेंगे क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हम ले रहे हैं. सो इसका डेरिवेटिव v स्क्वायर, देन v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u. 4 साइन एक्स का डेरिवेटिव 4 कॉस एक्स. Then negative sign, ये as it is, और 2 plus cos x का derivative, 2 का derivative 0, cos x की जगह minus sin x. So this is 8 cos x. अब ये वही form बन गई जो हमने पहले की हुई है. Now 4 sin square x plus 4 cos square x is कहाँ पे? माइनस 1 आ जाएगा. चलो अब क्या आएगा? हाँ 8 cos x plus 4 2 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर, और इधर एलसीएम ले ले माइनस 1 के साथ भी. अब इसको सिंप्लीफाई कर लोगे जैसे आपका उसमें फॉर्म बना था, सेम वे में आपका आ जाएगा यहाँ पे भी. कॉस एक्स इंटू अपॉन ये दोनों टर्म्स आपकी जो हैं दैट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव. तो आपका जो डेरिवेटिव है वो कॉस एक्स के साइन पे डिपेंड करेगा. अगर कॉस एक्स ग्रेटर देन जीरो है आपका तो दैट विल बी इंक्रीजिंग फंक्शन, लेस देन जीरो है तो दैट विल बी डिक्रीजिंग फंक्शन. ठीक है, तो दिस यू आर टू कंप्लीट योरसेल्फ. एज अ बेल हैज गॉन सो आई एम एंडिंग द मीटिंग. इफ एनी डाउट इज